इंदौर से हैं चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। जय हिंद भूषण जी, आपका स्वागत। हकीम साहब, मेरा एक सवाल है। मेरी वाइफ, उनका एज है 46, है ना, और उनको ना 2014 से एक समस्या है। उनको मतलब काफी वीकनेस लगती है और सर सर ऐसा भारी हो जाता है जैसे किसी ने पत्थर उस पर रख दिया हो, और मतलब पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो, बोल भी नहीं पाती हूँ। अभी भी वो सेम समस्या से जूझ रही है ना। तो मैं इसके लिए किम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके लिए कुछ बताएंगे। कुछ और बीपी वगैरह उनको, शुगर, डायबिटीज? नहीं हकीम साहब, ना तो बीपी है ना शुगर है, कुछ भी नहीं है, डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक। जी जो देखिए, ऐसे बैठे हैं रोजाना मेरी तरह, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें, ये उनके लिए, आपके लिए आसानी होगी। ये गर्दन ऐसे घुमा, देखिए कान में अपने मोंढे से लगा रहो ऐसे, ये रोजाना 3 मिनट करना है। और ऐसे ये खूब मोड़ना है इसको, 3 मिनट ये करें, इससे ये सर का भारीपन वगैरह वगैरह तो चला जाना चाहिए। और धनिया, सौंफ और आंवला, सब सूखा मिलता है ये, धनिया, सौंफ और सूखा हुआ आंवला, आंवला लेकर इसको 100-100 ग्राम खरीदें और पाउडर बना लें। और ये आता है एक नमक जैतून, नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये नमक ऐसा है, देखने में नमक जैसा ही लगता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिला लें और इस पानी से धनिया, नमक और आंवला और सौंफ का पाउडर 1 चम्मच खा के ये पानी पी लिया करें रोज़ाना, 1 बार या 2 बार, ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली से सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्कार मैम। मैडम, मेरे 3 4 सवाल है, हर बार मेरा सवाल काट देते हैं। अच्छा, आप अपनी बात आज पूरी कर लीजिए, हाँ जी, जो बोलिए। है पेट में सूजन है जी, और मेरे कमर में हार्ट प्रॉब्लम है जी, सांस की प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब मेरी। पेट में सूजन, हाँ जी, और हार्ट की दिक्कत है जी, और सांस की अस्थमा भी है जी, मुझे आपकी उम्र कितनी है? 50 साल है जी। ठीक है मैम, सुनिए हकीम साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम आपको 4 है और नुस्खा 1 है, ठीक है? तो आप खूब समझ कर लिख लीजिए इसको, चारों प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो सकती है। देखिए, एक आता है सपिस्तान, एक आता है उन्नाव, एक आती है अलसी। महिलाएं अक्सर जानती हैं इनमें से काफ़ी चीज़ें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, और इसमें ये 100-100 ग्राम तो लेना ही है, इसमें 30 ग्राम पीपले मिला लें। पीपले आपके किचन में होती हैं, गरम मसालों में पीपले होती हैं, जिसे पीपला मूल भी कहते हैं। 30 ग्राम इसे मिला लें और इन सब का पाउडर बना के रख लें, ठीक है? एक आता है आपके किचन में होता है खाने का सोडा, वो लें एक चुटकी में जितना आ जाए, खाने का सोडा 1 चुटकी। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून ये नकली भी मिलता है, असली लेना है आपको। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में डाल दें, मिक्स कर दें। इस पानी से सपिस्तान, उन्नाव, अलसी और पीपले का जो चूरन आपने बनाया, पाउडर बनाया है, वो 1 चम्मच खा के पानी पी लिया करें, गर्म पानी या चाय पी लिया करें, गर्मा गर्म।
दिन में एक बार या दो बार, ज़्यादा परेशानी है तो दो बार लें, आपकी चारों समस्याएं का समाधान मुमकिन है। रुचि, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार अकीम जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर वो मेरे ना सर पैर के तल्ले में डॉक्टर साहब कहते हड्डी बढ़ गई है, मैं दवाई बहुत करी आराम नहीं मिल रहा है। एडी होती है ना, एडी में सर कोई मेरा नुस्खा इस्तेमाल किया आपने? नहीं सर, आज तक नहीं किया कोई भी। कब से जुड़ी हुई हमारे साथ? मैं तो काफी देखती हूँ सर, आपका प्रोग्राम तो देखती रहती हूँ मैं। अच्छा, याद रखें, मेरा अनुभव यह है कि कभी किसी की पैर की हड्डी नहीं बढ़ती है। और कह देते हैं लोग के हड्डी बढ़ गई और हड्डी काट के ऑपरेशन भी कर देते हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो याद रखें, कभी पैर की हड्डी नहीं बढ़ती, एड़ी की हड्डी बढ़ावा बता देते हैं, और कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, कभी घुटने में लवाब कम हो गया, ख़त्म हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई दवा उन लोगों के पास नहीं है तो वो आपको ये सब कहते हैं, फिर आपके लिए ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। आपसे अनुरोध है कि दो तीन महीने दवा खाएं और जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आप जो अपने यूज़ के लिए, हमारे सभी घरों में टॉयलेट होता है, तो टॉयलेट ऐसा होना चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय, ये आपके रोग की वजह से कह रहा हूँ। और महिलाएं क्योंकि दिन भर एक जंग लड़ती हैं काम की, नज़र किसी को नहीं आता क्योंकि वो घर में होती हैं, झाड़ू पोछा करना आपके लिए मना है कुछ दिन के लिए, दो तीन महीने के लिए। ये तो हो गई आपकी एहतियात। अब आपको क्या करना है कि आपके किचन में बड़ी इलायची है, एक बड़ी इलायची खाइए, चबा के खाइए, उसके दाने दो भी खा सकते हैं। और एक आता है गोंद सिया, काला गोंद, गोंद सिया या काला गोंद, ये असली खरीदें, ये नकली बहुत मिलता है जगह जगह, नकली यानी अमेजोन पर 15-20 लोग नकली बेचे जा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये 15-16 रुपए का एक ग्राम आता है, एक ग्राम लें, आधा ग्राम सुबह खाएं नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बड़ी इलायची खाने के बाद ये अमल करेंगे तो आपकी समस्या अच्छी होना मुमकिन है। शीला जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी मैम, बताइए, सवाल करिए। शीला। बताइए शीला जी। मैम टीवी के जरिए मत सुनिए, पहले फोन से अपना पूरा प्रश्न कर लीजिए। अच्छा। बताइए। हाँ, पेट की जरूरत होती है, पेशाब कम, पेशाब सही आ जाती है तो सही हो जाते हैं। समझ गए आप? नहीं हकीम साहब, मैम आपकी परेशानी हम तक नहीं आ पाई है, आप प्लीज टीवी अभी मत सुनिए। नहीं, मैं अभी घर आ गई हूँ। हाँ बताइए। मैं जैसे पेशाब में जैसे घबराहट सी हो ही नहीं लगाई, भाजो मतलब भाजो, ठंडा पानी पियो तो या कुछ करो। घबराहट जैसे प्राण गई। और जो कचुली पी लेता है, ठंडा ही पी लेता है, तो मैं एक आध शांति मिलते, फिर पेशाब आ जाती है तो सही है जा पाने का। पेट में दिक्कत है? हाँ पेट में दिक्कत है। ठीक। टॉयलेट में टॉयलेट कर लेते हैं तो सही है, या फिर नेक कम हो जाती है तो यही समस्या है। ललित, अच्छा देखिए, एक बहुत मशहूर और कामयाब नुस्खा है, ये हिंदुस्तान के कई करोड़ लोग लेते हैं, ये पूरा नुस्खा बनाएं और अपनी समस्या में समाधान पाएं।
लिख लें, आप लिख रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ भी, तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए, एक सौंफ तो सब जानते ही हैं, सारी महिलाएं सौंफ को जानती हैं, सब किचन में रहता है, किचन की चीज़ें हैं ज़्यादातर इसमें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, मेथी का दाना। अगर लिखने से चूक गए हों तो दोबारा बोलता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक, आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, ज़रा याद रखें कि ये नकली भी बहुत आता है, तो असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी चीज़ें तो आप पहचानती हैं, इसे पहचानती नहीं है, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसे नमक जैतून कहते हैं। नमक जैतून अलग से 100 ग्राम खरीद के रख लें। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और पानी मिलाएंगे तो स्वाद भी आपके पानी का चेंज नहीं होगा। और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर जो आपने बनाया चूर्ण, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इसका 1 चम्मच पाउडर खा के, खाने से पहले खा लें या बाद में खाएं, और ये नमक जैतून का पानी पी लें। ये दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नुस्खा है पेट की समस्या के लिए, बवासीर की समस्या के लिए, एसिडिटी की समस्या के लिए, और पेट में वर्म की समस्या के लिए, पेशाब की समस्या के लिए, पेशाब में जलन या इन्फेक्शन की समस्या के लिए, लीवर की समस्या के लिए, लीवर बढ़ जाता है अक्सर, किडनी की समस्या के लिए, पेशाब में जलन, पेट में जलन और स्किन की समस्या के लिए, ये 8-10 समस्याओं में अकेला ये नुस्खा काम करता है। आप इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं।